हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। ये फिर से जो सोच रहे थे फिर से वही हो गया, जिसका डर था फिर से वही हो गया। बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का जो एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, समझे। पूरा सगरो घूमने लगा, व्हाट्सएप में घूम रहा है, टेलीग्राम में घूम रहा है, हर एक जगह क्वेश्चन लीक हो गया, हर एक जगह क्वेश्चन पेपर घूम रहा है। तो जिसका डर था वही फिर हो गया। अब क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितना मेहनत करेगा स्टूडेंट लोग तो जाकर कुछ होगा, पता नहीं कौन ऐसे लोग होते हैं जो क्वेश्चन पेपर बाहर लीक कर देते हैं, अजीब हो गया। देखिए एक स्क्रीन पर लगा दिए, चार पेपर है, चार पेज का, चारों पेपर घूम रहा है पूरा। इसका मतलब चारे को बाहर नहीं आया होगा, आ गया होगा, सब आ गया होगा। तो उससे तो यही पता चलता है। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों ऐसा होता है बिहार में, हर एक एग्जाम के साथ इतना धोखाधड़ी क्यों होता है। कोई भी एग्जाम होता है तुरंत पेपर लीक हो जाता है, क्यों इतना बच्चे लोग के साथ, स्टूडेंट लोग के साथ। ये तो पूरा दिन रात मेहनत करने के बाद जाकर एग्जाम में बैठते हैं, और वो भी लीक करवा कर, और जो कहीं नहीं पढ़ा है वो जाकर टॉप कर जाता है। कैसी शिक्षा व्यवस्था, कैसा DM, कैसा प्रशासन वहाँ की, जो क्वेश्चन का लीक। एग्जाम होने से पहले बहुत बड़ी बड़ी वादे होती हैं कि ये लगा दिए हैं, जैमर लगा दिए हैं, वो लगा दिए, नेटवर्क नहीं काम करेगा। अरे चार जगह लगा देते हैं और जगह नहीं लगाते हैं, यही हो गया फिर से। तो क्या बोला जाए इसके ऊपर, अब कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दे दे रहे थे ताकि आप लोग भी सतर्क रहें। देख लीजिए किस तरह से घूम रहा है हर एक जगह, ठीक। आप लोग भी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, क्या इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बताइएगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके क्या इसका समाधान निकले कि लीक ना हो। पेपर क्यों ऐसे स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो रहा है, ठीक है।